एक दिवसीय दौरे पर संभल पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी। आयोग के अध्यक्ष ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा, कल्याण सिंह के निधन पर सपा के किसी नेता का श्रद्धांजलि देने नहीं आना उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। अलीगढ़ में राजनीतिक साजिश के तहत भ्रम और भय फैलाकर पोस्टर लगाने वाले कामयाब नहीं होंगे। अल्पसंख्यक समाज ने कहीं भी नहीं लगाए इस तरह के पोस्टर। टू चाइल्ड पॉलिसी पर बोले अशफाक सैफी, टू चाइल्ड पॉलिसी इस देश के हर परिवार और हर नागरिक के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है और इसी कानून से मुल्क तरक्की करेगा। अल्पसंख्यक समाज के लोगों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं पर अधिकारियों से समीक्षा बैठक की गई। प्रचार प्रसार की कमी दिखी, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका मृत्यु होती है तो पड़ोसी होने के नाते, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते ये सबको जाना चाहिए, क्योंकि ये कटसी रहती है। हमारी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, ये उनका इस प्रकार से माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के अंत्येष्टि में शामिल ना होना, ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, ऐसा है, अल्पसंख्यक समाज में द्वारा कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं की जा रही है। उन पोस्टरों में कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये अल्पसंख्यक समाज ने लगाए हैं। ये राजनीतिक साजिश के तहत कुछ लोग इस काम को भय और भ्रम अल्पसंख्यक समाज में पैदा करना चाहते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर, सरकार दो बच्चों का कानून ला रही है, अल्पसंख्यक क्या इस तरह से विचार है? ये कानून इस देश के लिए, इस उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार है और इस कानून से हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और वो परिवार तरक्की करेगा। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से चल रही है। यहाँ न्याय सभी को मिल रहा है, तुष्टिकरण किसी का नहीं है। अधिकारियों का मीटिंग के लिए क्या निर्देश दिए? उसमें अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजनाओं से संबंधित हम लोगों ने समीक्षा की है। और चाहे वो जन विकास कार्यक्रम हो या आपके शादी शगुन के नाम से जो बच्चियों के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार द्वारा, एक सीखो कमाओ योजना है, आप बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप है, ऐसी अनेक योजनाओं को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ समीक्षा की है और सब कुछ यहाँ संतोषपूर्ण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें हैं, प्रचार प्रसार की कमी है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ निर्देशित किया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, कोई गरीब जरूरतमंद व्यक्ति मकान के बिना या उज्ज्वला गैस योजना के बिना ना रह पाए, सभी को लाभ मिले। टाइम 24 न्यूज के लिए संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।